प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग के स्वर्ग से सुंदर यूपी बिहार, मिसरी से मीठ लागे भाषा हमार। प्रणाम, हम मानी रामचंद्र यादव, रउआ सब देख रहा बानी प्लेनेट भोजपुरी। आज हम आप लोगों से मिलवावे लेके चलते हैं जे गायकी के क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बनौला के साथे साथ अब भोजपुरी के रूपाले पर्दे पे भी धमाकेदार पदार्पण कर रहा बने। जी हाँ दोस्तों, अनिल यादव उर्फ माटी के लाल, आ इनका से बात कर जाए और जानकारी लिया जाओ कि इनकर गायकी की शुरुआत कैसे भैल और अब आगे का इनके कदम बढ़ रहा बाड़े। अनिल जी, आपके स्वागत बाटे प्लेनेट भोजपुरी में। नमस्कार प्लेनेट भोजपुरी, और सबसे अच्छा ये चैनल है और इसको हमने भी सब्सक्राइब किया हुआ है और काफ़ी लोग इसके माध्यम से समाचार लोग दे रहे हैं जी। अनिल जी, सबसे पहले हम जानना चाहें कि रहुआ अपने बारे में दर्शक लोग से बताएं कि रहुआ कहाँ से बानी और कहाँ रह रहा बानी और तब अब तक गायकी के क्षेत्र में कितना धमाल मचौले बानी और फिल्मी के रूपाले पर्दे भी धमाल मचाए के पूरी तरह से तैयारी के लिए बानी। पहले हमारे जन्म तो भैया सैदपुर गाजीपुर में भइल बा, लेकिन फिर बाद में माई बाबू लोग कमाए बदे यहाँ जब गुजरात में आ गए तो बस बाद में पढ़ाई लिखाई गुजराती मीडियम से बीकॉम करके फिर हिंदी गाना गाते थे अपना स्कूलों में। फिर लगा कि नहीं, कुछ भोजपुरी यहाँ पर कम है गुजरात महाराष्ट्र में, तो भोजपुरी गाना जैसे हम लोग गाना स्टार्ट कर दिए। करते करते फिर एक मन में सपना हुआ कि नहीं, भोजपुरी को गुजरात और महाराष्ट्र में एकदम गली गली मतलब करवाना है, गवाना है। हम सब सिंगरों से लगे कॉन्टेक्ट करने, जैसे मनोज जी हो गए, निरहू जी, खेसारी जी, भरत शर्मा जी, कल्लू जी, सबको लेकर के फिर लगे प्रोग्राम करने पूरे गुजरात महाराष्ट्र में। और आज देखिए, आज गुजरात महाराष्ट्र क्या पूरी दुनिया में भोजपुरी का जलवा है। शुरुआत गायकी के जो भोजपुरी में कैसे भइल और केंद्रास का साथ है ज़्यादा पहला प्रोग्राम आपके रहे? ना ना, मनोज तिवारी जी का हम शुरुआत में मतलब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उनके फैन थे, तो उनके गाने एक्चुअली वो भी बेचू में पढ़ते थे मनोज भैया, तो उनके गाने सुन के मुझे लगता था कि नहीं यार, हम लोग को भी भोजपुरी गाने चाहिए और अच्छे गाने गाने चाहिए। तो इसी तरह से पढ़ते पढ़ते फिर भोजपुरी गाने की शुरुआत करने लगे और आज आप लोग कृपा से काफ़ी अच्छे गाने मतलब मार्केट में चल रहे हैं। इंटरव्यू के सिलसिला तो चलते रहे लेकिन साथ साथ गीत गाने हो रहा है। बिल्कुल, अभी हम एक जैसे स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाना है, उस तरह से भोजपुरी संगीत को भी स्वच्छ बनाना है। तो अभी मैंने गाना गाया है कि स्वर्ग से सुंदर यूपी बिहार, मिसरी से मीठ लागे भाषा हमार। अरे राम अयोध्या सीता जनकपुर मथुरा में कृष्ण के द्वार हो, स्वर्ग से सुंदर यूपी बिहार, मिसरी से मीठ लागे भाषा हमार। और उसमें एक लाइन है कि अरे चाहे लंदन मॉरिशस रहिया, चाहे रहा मसूरी में, पढ़िया लिखिया कौनो भाषा बतियाइया भोजपुरी में। तो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं इस गाने को, उन लोगों के प्यार से आज मुझे विश्वास नहीं था कि हम मतलब गायक से एक नायक बनेंगे। थोड़ा पहले मैं बहुत मोटा था, वजन कम कर लिए हैं इस फिल्म के लिए, और हमारे संजय पांडे जी जो हैं निर्माता हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, हम ही लोग उनको लाए थे कि भैया फिल्म बनाया जाए, प्लान चल रहा था हम लोग को। और सुबीर सिन्हा जी एक बहुत ही टैलेंटेड एक हैं जो नए लोगों से बहुत अच्छी तरह से काम करवा लेते हैं। प्लेनेट भोजपुरी।